डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। आज हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंडिकेट द नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन को इंडिकेट करता है। पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेस द नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ संबंध बताता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स आर दिस, दैट, दीज एटसेट्रा। दिस मीन्स ए, दैट मीन्स ओ, दीज का मतलब भी ए होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए दीज का यूज़ किया जाता है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, माइन, हिज, योर, देयर। माई और माइन का मतलब होता है मेरा, हिज मीन्स उसदा, योर मीन्स त्वाडा, देयर मीन्स उनादा। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स को क्लियर करना चाहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस गर्ल इज प्रिटी। यहाँ पर जो दिस वर्ड है ये गर्ल को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये लड़की, यह लड़की सुंदर है। तो यहाँ पर दिस वर्ड हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि कॉमन नाउन यानी कि गर्ल को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि यह लड़की सुंदर है। पोजेसिव एडजेक्टिव में एग्जाम्पल है दिस गर्ल इज माइन। तो यहाँ जो पोजेसिव एडजेक्टिव जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है माइन, ये कॉमन नाउन से संबंध बता रहा है कि ये लड़की किसकी है। यह लड़की मेरी है, माइन है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव कॉमन नाउन से संबंध बताता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट हाउस इज बिग। यहाँ पर जो दैट वर्ड है वो हाउस की तरफ संकेत कर रहा है कि ओह घर बड़ा है। यहाँ पर जो दैट है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और हाउस कॉमन नाउन है, मतलब कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कॉमन नाउन की तरफ संकेत करके बता रहा है कि ओह घर बड़ा है। पोजेसिव एडजेक्टिव में एग्जाम्पल है दिस इज माई हाउस। यहाँ पर जो पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, ये हाउस से संबंध बता रहा है कि यह घर मेरा है। तो यहाँ पर दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, माई है पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि कॉमन नाउन यानी कि हाउस के साथ संबंध बता रहा है कि यह घर मेरा है। तो ये था डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ सिर्फ संकेत देते हैं, जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बताते हैं। तो ये था डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव।